बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर खूब चर्चे में बने हुए हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के खास मौके पर कार्तिक ने फिल्म से अपना नया लुक शेयर कर सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी बधाइयां भी दी। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। वर्दी पहने कार्तिक आर्यन ने दी रिपब्लिक डे की बधाइयां, साथ ही साथ एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर किया है जिसमें वो आर्मी की वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फिल्म से अपनी नई झलक को फैन के साथ साझा करते हुए कार्तिक ने लिखा है कि चैंपियन बनना हर भारतीय के खून में है, जय हिंद, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। वहीं अपने चहेते सितारे को आर्मी की वर्दी में देख फैन काफी ज्यादा खुशी में नजर आ रहे हैं। कार्तिक के इस पोस्टर पर कमेंट्स की बाढ़ भी आ गई है। हर कोई उनके इस नए लुक की जमकर तारीफें कर रहा है। इस दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी चंदू चैंपियन। आपको बता दें, चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन के लिए बेहद खास फिल्म होने वाली है। फिल्म की कहानी पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके मुरलीकांत पेटकर की कहानी है, जिसका रोल कार्तिक आर्यन निभा रहे हैं। इस तरह के रोल में पहली बार वो बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। ऐसे में फैंस को इनकी इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बता दें कि चंदू चैंपियन 14 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। श्रद्धा कपूर के साथ करेंगे रोमांस। वहीं कबीर खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट जोड़ी श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। हालांकि अभी तक मेकर्स की तरफ से फिल्म की हीरोइन का खुलासा नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब बड़े पर्दे पर कार्तिक आर्यन और श्रद्धा कपूर की जोड़ी देखने को मिलेगी। बता दें कि निर्माण साजिद नाडेवाला ने किया है। आशिकी 3 में भी नजर आ सकते हैं कार्तिक आर्यन। वहीं चंदू चैंपियन के अलावा कार्तिक बहुत जल्द आशिकी 3 में भी नजर आने वाले हैं। खबरें आ रही है कि फिल्म में कार्तिक एनिमल स्टार तृप्ति डिमरी के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। सूत्रों के अनुसार आशिकी 3 की शूटिंग 2024 की पहली तिमाही में शुरू होगी। वहीं शूटिंग शुरू होने से पहले कार्तिक और तृप्ति कुछ वर्कशॉप भी अटेंड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क ज़रूर सब्सक्राइब करें।